नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे। अभी आज मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ आप लोगों के लिए जो एक ऊहापोह की स्थिति है कि सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट कब होगी, सुपर टेट इस वाले यूपी टेट से क्यों नहीं आया, आएगा तो कब आएगा, और बहुत सारी जानकारी केवीएस से संबंधित कि कितने फॉर्म पड़े, कब इसकी डेट है, तमाम जानकारी लेके मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो और शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी भी शिक्षक संबंधी परीक्षा से, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन को पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचा भी जरूर दीजिएगा। अभी जो आज मुख्यमंत्री योगी जी ने दो बहुत बड़े काम किए, एक तो यूपीपीएससी के आयोग की उन्होंने नई वेबसाइट बनाई, दूसरा उन्होंने कुछ ट्विटर के माध्यम से अपने ये देख लिया होगा थंबनेल में, आपको पता चल गया होगा किस पे बात होने वाली है, तो इनमें ट्विटर पे कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। ये लोग हालांकि बड़े लोग ट्विटर पे ही घोषणाएं करते हैं, बट इनकी बात ही काफ़ी होती है हम लोग के लिए, चीज़ें प्रोडिक्शन करने के लिए हम लोग के लिए उम्मीद लगा सकते हैं। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इस नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस नए आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले से ये बात चल रही है कि जो बेसिक शिक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, तीनों को जो अलग अलग हो रहे हैं, और बाकी कुछ और भी जो शिक्षक भर्तियां होती हैं जैसे यूपीपीएससी से होती हैं या अन्य से होती हैं, उन सबको सरकार जो शासन है कई बार से ये प्रयास करती रही है कि इन सबको मिला के एक अलग से केवल इनका शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया जाए, आयोग बनाया जाए और उनके माध्यम से ये कराया जाए। तो अभी इनका कहना है कि इसी आयोग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टेट समय पर हो, इसी से टेट होगा, तो इसी से अब सुपर टेट भी होगा और इसी से ही आपकी तमाम जो भर्तियां निकलने वाली हैं सब इस नए आयोग से होंगे। एक बात इन्होंने और बोला कि संस्कृत विद्यालयों के उन्नयन की प्राथमिकता में है, तो मतलब जो संस्कृत विद्यालय हैं उनकी बहुत गोल्डन डेज आने वाले हैं, और जो ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संस्कृत संबंधी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके भी गोल्डन डेज आ रहे हैं। आने वाला एक दो वर्ष आपके लिए जो संस्कृत वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृत विद्यालयों की स्थापना सुविधाओं के विकास के साथ साथ अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए, संस्कृत विद्यालय में इन्होंने कमिटमेंट किया है। कुछ सॉरी जो मेन खबर है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी तक आप देखते होंगे कि जैसे बेसिक शिक्षा की आपकी अलग वेबसाइट होती थी, आपको अगर सही से दिख रहा हो है ना, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी वो इस वेबसाइट से निकलती थी, हायर एजुकेशन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की थी वो आपकी यूपीएचई एससी से निकलती थी हायर एजुकेशन से, और सेकेंडरी एजुकेशन से आपकी यूपीएससी एसएसबी जो होती थी उससे आपकी बाकी चीजें निकलती थी, ये आप इस वेबसाइट को देख सकते हो। अभी योगी जी का क्या कहना है कि इस पे काम बात भी बहुत पहले से चल रही है और इसी में प्रयासरत, उनका कहना है कि अब जो ये है, उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेसिक माध्यमिक उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, मतलब जितने भी टेक्निकल एजुकेशन वाले भी हैं वो भी संस्थाओं में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग संचालित हैं मौजूदा समय में, बट इनको क्या करना है, मर्ज करना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी चयन की व्यवस्था लागू है, जैसे एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी हो गया, ये सब इनसे यूपी पीएससी से आता रहता है। उसके बाद बात करें तो नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोगों की एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा, मतलब ये इस पर विचार कर रहे हैं। तो थोड़े दिन के लिए आपके लिए ये थोड़ा ऐसा भी बोल सकते हो कि दुख की खबर है कि अभी सुपर टेट नहीं आने वाला है, सुपर टेट क्या यूपी टेट भी शायद इस समय जो नया वाला है नहीं आएगा, और ये बात चल रही है कि ये वाला सुपर टेट हो जाएगा तभी, ये वाला यूपी टेट हो जाएगा तभी दूसरा सुपर टेट आएगा, एक संभावना जताई जा रही है। हालांकि जैसे वो लोग कर रहे हैं, आपने देखा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट अभी तक नहीं घोषित हुई है, कब उसका पेपर निकल गया था, तो ये सारी ही चीजें इसके संबंध में है। शिक्षकों के समयबद्ध चयन, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के आयोग उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस आयोग पे इन्होंने इस बार ज्यादा फोकस किया है कि अब इसका काम तेजी से होना चाहिए। आज ही इन्होंने यूपीपीएससी की नई वेबसाइट क्या किया है उसका उद्घाटन किया हुआ है, और उसमें ये खुद से मोटिवेटेड हो गए, या ऐसा बोलो कि जब ये इस मंच पे आते हैं बोलने के लिए तो इन्हें सारी चीजों पे समग्र रूप से बोलना होता है, तो वो सारी भाषा वही बोलते रहते हैं, जैसे आप इनके पूरे जितना भी इन्होंने भाषण दिया है उस समय बोले उनका बात वही रहती है कि विगत 5-5.5 वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगी कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। तो
ये तो हर बार बोलते हैं, वैसे मैं इस बात को तो मानता नहीं हूँ। यूपी ट्रिपल एससी जैसा आयोग 2017 में 16-17 में बनने के बाद भी अभी भी उसके 2016 के पेपर आज तक नहीं कंडक्ट करा पा रहा है, इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करा पा रहा है। तो ये सर जी का काम है बोलना, ठीक है, योगी जी का काम है बोलना और हमारा काम है सुनना। लेकिन एक प्रेडिक्शन ये है कि आप अपनी तैयारी जारी रखो। ये तो निश्चित है कि अब यूपीपीएससी पे काम चल रहा था, ये बात किसी को पता नहीं चली कि उसकी वेबसाइट पे सारा रिनोवेट हो रहा है, कि उस पे ओटीआर का काम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसका अलग तरीके से होगा। ठीक इस पे भी बैकएंड पे काम चल रहा है। एक दिन आपको ऐसे खबर आएगी कहां भी है, इसका क्या हो गया है, इसका उद्घाटन हो गया, अब सारी चीजें आएंगी और सारी चीजें पहले से बनी रखी हुई है, फिर आने में देर नहीं लगेगा। दो चीज आपको और नहीं भूलना है कि आने वाला जो वर्ष है चुनावी वर्ष है, जैसे 2023 बीतेगा 2024 से चुनाव का माहौल आ जाएगा, पहले केंद्र में उसके बाद फिर राज्य में। तो ये जो फिर से 2-3 साल आपका आने वाला है 2023 के बाद से, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के बाद से करूं तो 2023 के अगस्त मतलब मिड 2023 के बाद का समय, और उसके बाद फिर 2025 तक का ये 1.5 साल बहुत ही फिर से क्रीम समय आने वाला है, जैसे 2017-18 था वैसे ही दोबारा आने वाला है। तो अपनी तैयारी जारी रखो। ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं, जो अभी बीएड कर रहे हैं, कहीं से अपनी डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इस दिशा में बढ़ सकते हैं। शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से बम्पर वैकेंसियां आने वाली हैं, और क्योंकि अब ये सारी चीजों को एक कर रहे हैं, एक जगह जोड़ रहे हैं, तो नो डाउट उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वैकेंसीज बल्क में आने के यहाँ पे बहुत ज्यादा आसार हो गए। कब आएगा ये इतना तो मैं गारंटी बोल रहा हूं कि 1-2 महीने में कुछ आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ, मार्च के बाद से कुछ गतिविधियां चालू हो जाए तो वो बात अलग है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ पे लेके आया। दूसरी बात, कुछ बच्चे लगातार पूछ रहे थे सर जो केवीएस का है उसमें कितने फॉर्म पड़े हैं और कितना कब तक एग्जाम डेट है। तो एग्जाम डेट देखिए आप फरवरी का लास्ट वीक मान के ही चलो, फरवरी बहुत ज्यादा खींचेगा तो मार्च का फर्स्ट वीक इससे हो जाना है। अगर कोई और भी चीजें नहीं हो जाती है तो सब कुछ स्मूथली चला तो फरवरी का लास्ट वीक या फिर आपका मार्च का फर्स्ट वीक में इनमें होता चला जाएगा, कंटिन्यू परीक्षा होती रहेगी। कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि जो डिपार्टमेंटल होंगे वो 22 जनवरी को हो जाएंगे, तो वो हो सकता है 22 जनवरी या हो सकता है वो शिफ्ट होकर फरवरी के फर्स्ट वीक में भी चला जाए। अभी क्योंकि ऑफिशियल डेट उसकी आई नहीं है, आप लोग क्या होते हो कि अंदर से जो भी खबर आती है वो एक प्रोग्राम चल रहा होता है, जो अगर उस पर सारे लोग क्या होते हैं मानते हैं तभी उस चीज को ऑफिशियली वेबसाइट पे लाया जाता है। तो अभी वो आया नहीं है, ठीक है, उसके बाद से जब आपका हो सकता है कि वो चीजें आगे बढ़ के अगर 22 जनवरी से ही हो जाता है तो मान के चलिएगा कि आपका और पहले हो जाना है, फिर फरवरी सेकंड थर्ड वीक में हो जाने पेपर, वरना अगर वो भी लेट हुआ तो मार्च तक आपका जाएगा। तो एग्जाम डेट आप फरवरी मार्च लेके चलो, फरवरी लास्ट से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक, तो फरवरी ही उसे दिमाग में रख के चलो कि हमें तैयारी करनी है। समय आपके पास 30-40 दिन बचा है, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखो। अभी जो इन्होंने 5-6 दिन के लिए बढ़ा दिया था फॉर्म डेट, इसमें फिर से बहुत ज्यादा लगभग लाखों की संख्या में बढ़ गए हैं। अगर आप पहले देखेंगे तो करीबन 8.5-8 लाख जो पीआरटी और टीजीटी वगैरह में फॉर्म पड़े थे, अभी बढ़ के ये 10.5-11 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे ही अन्य अन्य डिपार्टमेंट में लगभग 1-1 लाख सारी कैटेगरी में, किसी में 60-70 हजार, किसी में 1 लाख की फॉर्म की वृद्धि हो गई है। जो 1 महीने में 25 दिन में नहीं हुआ उससे ज्यादा आपका 5-6 दिन में फॉर्म भर गए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो लगभग लगभग पहले लग रहा था कि फॉर्म कम है, बट फॉर्म ठीक ठाक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15-16 लाख ओवरऑल पूरे केवीएस के सारे सेगमेंट को देख लिया जाए, 15-16 लाख फॉर्म कम नहीं होते हैं, ठीक ठाक फॉर्म होते हैं, अच्छा कॉम्पिटिशन है और समय भी कम है। लेकिन इस समय कम समय में जो संयम के साथ मेहनत कर लेगा, संयम के साथ चीजों को पढ़ लेगा, सिलेबस कवर कर लेगा, अच्छे से वही पढ़ लेगा जो पूछा जाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। केवीएस पीआरटी का निःशुल्क बैच चल रहा है, केवीएस पीआरटी का अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पार्ट ए जो पूछा जा रहा है वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से की जा रही है, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो लाइन से लगी हुई है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। सारी क्लासेस जो शायद पेड क्लास में भी गुणवत्ता नहीं मिल रही है वो आपको परीक्षा प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे निशुल्क मिल जाएगी। बच्चों के कमेंट से आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा। अन्य कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।